गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड सेकेंड एंड थर्ड वन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फोर्थ वन, दैट इज़ मंथली. हम इसमें क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे मीनिंग और सेंटेंस बना रहे थे इन वर्ड्स का. सो मंथली का मीनिंग होता है वंस इन 30 days, 30 दिन में एक बार होना, मतलब एक महीने में एक बार होना. तो इसका सेंटेंस हम बना रहे हैं, दिस इज़ मंथली रिपोर्ट कम्स आफ्टर 30 days. ये एक मंथली रिपोर्ट है जो 30 दिन के बाद आएगी, हमने सेंटेंस में बना लिया. और मंथली का मीनिंग होता है वंस इन 30 days. अब फिफ्थ वाले में लिखा है बाय मंथली. तो बाय मंथली का मीनिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं वंस इन 2 months, 2 महीने में एक बार. और इसका सेंटेंस मैंने बना लिया है, इट इज़ अ बाय मंथली मैगज़ीन. ये बाय मंथली मैगज़ीन है जो कम 6 times इन अ ईयर, जो एक साल में 6 बार आती है. 6 बार कैसे आती है, क्योंकि वो 2 महीने में एक बार आती है. सो नाउ सिक्स्थ वन इज़ एनुअली. ये वर्ड तो हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं. इसका मीनिंग होता है वंस इन अ ईयर, ईयर में एक बार. तो इसका सेंटेंस मैंने बना लिया है, इंडियन बजट कम्स एनुअली. इंडियन बजट आता है एक ईयर में एक ही बार, ईयर में एक ही बार आता है. सो इसका मैंने क्या फॉर्म किया, इंडियन बजट कम्स एनुअली. देन सेवेंथ वन इज़ बाय एनुअली. तो इसका मीनिंग क्या होता है, वंस इन 2 years, मतलब 1-2 साल में एक बार. और इसका सेंटेंस है आवर नेशनल फाइनेंशियल रिव्यू कम्स बाय एनुअली. तो जैसे बिजनेस में रहता है वैसे ही इसमें मैंने एक सेंटेंस बनाया उससे रिलेटेड, आवर नेशनल फाइनेंशियल रिव्यू. हमारा जो पूरा नेशनल फाइनेंशियल रिव्यू है वो कब आता है, 2 साल में एक बार. तो आपको ये अब आपकी बुक में कंप्लीट कर लेना है. आई एम शोइंग यू अगेन, If you are not able to see, I am showing you again that you can write properly. तो हमने पिछली वीडियो में 3 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हमने कर लिया है 4th, 5th, 6th and 7th one. So you have to write this in your book only. आपको ये book में ही करना है, आपको ये copy में नहीं करना है. And tomorrow in the next video we are going to continue with our grammar part. तब तक आपको ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही आपकी कॉपी में लिखना है, नथिंग मोर. और ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है.